तो दिल्ली सरकार भले ही अस्पतालों में कायाकल्प का दावा कर रही हो, पर उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के बाद पोल भी खुली है। आलम यह था कि पूरी उत्तर पूर्वी दिल्ली के सबसे बड़े जीटीबी अस्पताल में सीटी स्कैन की मशीन महीनों से खराब पड़ी थी और इमरजेंसी में भी खराब पड़ी थी। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा के दौरान जब डीसीपी अंकेश शर्मा घायल हुए तो उन्हें सबसे पहले जीटीबी अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन वहां सिटी स्कैन मशीन खराब होने और व्यवस्था ठीक नहीं होने की वजह से उन्हें मैक्स अस्पताल रेफर किया गया। इस बात की पोल उसी दिन खुली और उसके तीन दिन बाद तक भी अस्पताल प्रशासन सिटी स्कैन मशीन को ठीक कराने में कामयाब नहीं हो सका। लिहाजा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मुख्यमंत्री से सवाल पूछे गए तो उनके पास भी इसका सीधा सीधा जवाब नहीं था। मीडिया के सामने मुख्यमंत्री ने कहा, मशीन दो दिन पहले ही ठीक करा ली गई है। जब हमने पूछा कल तक मशीन खराब थी, तो फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि मशीन ने काम करना शुरू कर दिया है। सर, जीटीबी अस्पताल बड़ा अस्पताल है जहां पर ये सब हो रहा है, वहां पे सीटी स्कैन मशीन खराब पड़ी हुई है, चल रही है, ये बता रहे हैं हेल्थ मिनिस्टर, बता रहे हैं चल रही है, सुबह से चल रही है, आज सुबह से चल रही है। सिर्फ सिटी स्कैन मशीन ही नहीं, अस्पताल की लिफ्ट भी खराब बताई जा रही है और वार्ड की हालत भी। दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दिल्ली सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा पैसे खर्च करती है, उसमें सबसे बड़े बदलाव का दावा भी करती है, पर इमरजेंसी में ये सुविधाएं काम ना आए तो सवाल उठने लाजमी है। विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।